अब एक चीज़ मैं हमेशा हर गाड़ी के साथ करता हूँ वो है कि कितना व्लॉग फ्रेंडली है, कैमरा कितना अच्छा बैठता है। तो देखो ये गाड़ी में इस तरह बैठ रहा है। 0 to 60 बहुत प्यारा पावर है। 0 to 60 माइल्स है। हाँ माइल्स। किसी महान आदमी ने कहा था कि एक टाइम आता है जब लाइफ आपको डराने की कोशिश करती है, और उस वक्त अगर आप बिना डरे जिंदगी में आगे बढ़ो, जो आपके मन में डिसीजन आ रहा है वो ले लो ना, तब आप जिंदगी से जीत सकते हो, जीतोगे, हार भी सकते हो। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दो सरप्राइज देने मुझे ये व्लॉग में, आपको एक सरप्राइज मिलेगा। मैं ज्यादा सरप्राइज दिखा क्या उन लोगों, तुम्हें इधर हो दिखा क्या, तुम रेडी हो रहे लोग। तो पिछले 2 साल से मेरे दिमाग में बहुत सारी खुराफाती चीज़ें चल रही है, उसमें से एक मैंने एग्जीक्यूट किया जो इस व्लॉग का सरप्राइज है, और वो ये है कि मैंने US में अपनी पहली गाड़ी खरीद ली है। That's right, ladies and gentlemen, and इसीलिए ऋषभ आया गाड़ी लेके। ये वही गाड़ी है जो हमने खरीदी है, मतलब मैंने खरीदी है। ऋषभ ने हेल्प किया ढूंढने के लिए, मुझे सबसे बेस्ट प्राइस जो है वो शिकागो में मिला। तो मैंने 2019 की फॉक्स वैगन टिगुआन ली है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मैं थोड़ा आपको अंदर से बताता हूँ। इट्स नॉट वेरी वेरी फैंसी, बट इट हैज़ एवरीथिंग। क्रूज कंट्रोल बोलो, एप्पल कार प्ले बोलो, सब कुछ है। एंड ऑब्वियसली सेकेंड हैंड यूज्ड गाड़ी है, लेकिन बता ज़रा अपने को भाई अच्छी गाड़ी से मतलब। ओनली 45,000 माइल्स ड्रिवन। This is how it looks. Very clean, very very nice car. सब कुछ है, और पीछे स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अभी मैं बैठ के बताता हूँ आपको। ये देखो, ये अपनी कार सीट भी डाल दी है अपन ने। ये देखो, आई एम 6 feet गाय, आगे सेटिंग मेरे हिसाब से है, एंड लॉट्स ऑफ स्पेस एंड ऑफकोर्स फॉर द लगेज, बिकॉज फ्यूचर में हम रोड ट्रिप करेंगे, ये ट्रिप पर हम रोड ट्रिप करेंगे, तो भाई लगेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगेज देखो, भर भर के लगे जाएगा हमारे सारे सूटकेस के अंदर आगे, और इसमें टोइंग कैपेसिटी भी है 1500 pounds की। तो अगर फ्यूचर में मुझे मेरी खुद की बाइक अगर टो करनी है, खरीदूँ या जो भी जैसी भी बाइक है, तो वो भी टो कर सकते हैं, बट वो हिच जो है लगाना पड़ेगा। तो यार ये एक छोटा सा सिंपल सरप्राइज़ है जो मैंने आपके लिए रखा था। अभी गाड़ी घुमाएंगे फिराएंगे, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे, जैसे कि इसकी लाइट थोड़ी डल है। ऋषभ चला के लाया, कैसी है? नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, बिकॉज येलो लाइट है ये, भाई साहब की एकदम हाइलोजन वाइट लाइट है। तो थोड़ा बहुत कंपेयर, ये भी फॉक्सवैगन ही चलाता है। तेरी कौन सी, पोलो? गोल्फ ऑल ट्रैक है। तो फॉक्सवैगन ऑडी भाई बहन ही है, तो वैसी मैंने एक फैमिली का हिस्सा वाला गाड़ी ले ली है। अभी बहुत ही क्विक वीडियो बनाया मैंने इसका, बाकी तो बिकॉज आप मुझे अभी बहुत चलाते हुए देखोगे इस ट्रिप पर, इसको ही रखने वाला हूँ एंड लंबे समय के लिए रखूँगा। अनलेस मुझे कोई गाड़ी दिख गई, अगर मैं प्रॉफिट कमा लिया तब बड़ी गाड़ी। मेरा एक्चुअली Q7 लेने का प्लान था, लेकिन प्रॉब्लम पता है जो मुझे Q7 मिल रही थी ऑडी की इधर, कि वो बहुत चली हुई थी और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया ना, तो खर्चा बड़ा है। ये गाड़ी पूरा ऋषभ गया चेक किया अच्छे से, मशीन डाल के फॉक्सवैगन में जाके सब चेक वेक हुई, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनर भी बहुत अच्छा आदमी था, बस गाड़ी थोड़ी गंदी थी, वो सब साफ वाफ करा लिया अपन ने। अभी बस दिस इज़ द सरप्राइज नंबर 1। सरप्राइज नंबर 2 आपको कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं हमेशा हर गाड़ी के साथ करता हूँ वो है कि कितना व्लॉग फ्रेंडली है, कैमरा कितना अच्छा बैठता है। तो देखो ये गाड़ी में इस तरह बैठ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा चलाऊंगा, स्पीड दूंगा ना, तो शायद गिर जाएगा, बिकॉज मैंने अटका के रखा है। तो धीरे धीरे चलाऊंगा, धीरे धीरे। इट्स अ वेरी स्मूथ कार, पेट्रोल गाड़ी होती है ना, मेन पता है जो 100,000 miles के ऊपर चलती है ना, वो गाड़ी का टेंशन रहता है कि वो गाड़ी में ऐसा ना हो ये बेल्ट वो बेल्ट ऐसे सब प्रॉब्लम आती है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा बम्प है, मैं हटा देता हूँ कैमरे को। अच्छी खासी पावर है, आई मीन मेरे हिसाब से पावर है, ऋषभ के हिसाब से पावर है। ऋषभ को थोड़ा वॉर्म वॉर्म वाला चाहिए। 0 to 60 बहुत प्यारा पावर है। 0 to 60 miles है? हाँ माइल्स, किलोमीटर में 60 से 80-90 अगर जाना हुआ कभी, थोड़ा स्लो है तो ठीक है भाई। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 140-150 PS पावर है इसमें। 170 ले भाई। आज आशीष थोड़ा बिजी है, बहुत बिजी चल रहा है। तो रोनिश एंड रोहन ऋषभ, रोनिश रोहन ऋषभ, माँ कसम इन लोग के नाम में RRR हो गया। आज RRR जा रहे अपन डिनर करने के लिए मैक्सिकन, मेक्सिको जा रहे हैं। और ऋषभ मेरा लैपटॉप लेके चल रहा है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली होटल का इंटरनेट दुस बंद हो गया है, एंड यहाँ पर हमारा कोई किसी का मोबाइल नेटवर्क का इंटरनेट अच्छा चल ही नहीं रहा है, सबका बकवास चल रहा है।
सो वी हैव टू गो वेयर वी आर गोइंग एंड वहां से अपलोड करने को ट्राई करूंगा। सो अभी डिसाइड किया कि आज मेक्सिकन खाएंगे इंडियन, तो अभी इंडिया से आए तो इंडियन क्या खाएंगे, और यहाँ पर आए हम लोग फैट कैक्टस। और मुझे ये जगह याद आई, फिर याद आया कि जब विंटर में हम लोग आए थे ना स्काई को लेके, तब यहाँ पर गए थे और क्या हवा चल रही थी और ये सब नहीं था सेटअप। ये देखो लैपटॉप लेके घूम रहा है सर, दिस इज योर आईफोन 40। अरे वाह 67 हो गया। और ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे पता नहीं, इसे खुद से बोला इसमें बैठाओ। एक्चुअली थक गई, इसको जेट लैग हो रहा है सबसे ज़्यादा, यही सोचिए सबसे ज़्यादा जेट लैग भी इसको यही है। और ये जगह का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये जो चिप्स और ये सॉस है ना, मैं और शोभित ने इससे पेट भर लिया था। यह है एवोकाडो सैलेड गुआकामोले, इतना भारी इसमें दिया है, ये डंबल है, डंबल किसी के सर पे मारूंगा तो मर जाएगा। खाना खा के हो गया है, अभी वी आर गोइंग टू रोहन्स प्लेस, वहाँ पर बैकयार्ड में थोड़ा स्काई खेलेगी। और अभी मुझे नींद आना शुरू हुई है भयंकर वाली, बिकॉज मैक्सिकन फूड हैवी रहता है एंड ब्लोट कर देता है। सो कल जाके हम सबका बॉडी और माइंड ठीक होगा, ये ऑटोमेटिक चलेगी गाड़ी अभी। और रोहन के घर के बाहर है हम लोग, इसको घास में दौड़ने का है, यहाँ पर ये जो फैन लगा है उसको फूक मार के चलाने का है। बेटा तोड़ मत देना, तो ए स्काई डोंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल तो रोहन के घर में जब गया तो मेरी हालत जो डाउन हुई, इतनी भयंकर नींद आ रही थी, बिकॉज यूजुअली हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं ना, वी आर आउट द एंटायर डे, बट इस टाइम वो जो एयरपोर्ट पे रुकने का और डिले हुआ ना, उसने बहुत ज़्यादा थका दिया था। और अभी पूरी हम तीन लोग हैं ना, पूरी फैमिली एक साथ सुबह सुबह 4 बजे उठे हम लोग, 4 बजे हम लोग आई थिंक 8:39 सो गए थे, तो 4 बजे उठे और तब से 4 बजे इसको नहलाया, उसको बाथरूम में लेके गया, अभी बोलती बाहर लेके जाओ, कम इन मदर लेट मी डे Yes, beta. I'm gonna take you out. Come. I'm gonna take you out. Sky, are you happy to go out? Bye, bye. अरे bye, bye. मम्मा को bye बोल रही है ये. So yeah, अभी बहुत जल्दी है. I think आधे घंटे में breakfast लगेगा. Breakfast खाएंगे and then. हमारे पास फाफड़ा भी और खाकरा भी. खाकरा वगैरह सब है, but अभी खाएंगे क्या? थेपला भी है. बेटा. Bye, bye. Hey, इसको ना साल के 12 महीने घुमा लो. इसको साल के पूरा time घुमा लो. पूरा time घुमा लो. इसको बहुत खुशी होती है. बेटा एक सेकंड ना, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ू, एक हाथ से पकड़ू। हमारी बच्ची डंबल उठाने को देख रही है मुझे, बोलती ये उठा तो मैंने उठाया, मैं बोलती मुझसे क्यों नहीं उठता, सी इसका है टेढ़ा, कैन लिफ्ट इट, सी सो इजी। थ्री एंड देन शानिस को मैंने बोला था ऐसा वाला मेश बैंड यूज कर, इसने निकलने के पहले ये सिलिकॉन बैंड लिया, और इस फॉर सम रीजन शायद यहाँ पर लोगों को जमता है बट मुझे नहीं जमता था। सेम शानिस को भी देखो, ये एलर्जी हो गई है, आई नो, मेरे को सेम होता था, मैं इसलिए नहीं पहनता, इसलिए ये मेश वाला पहनता, ब्रीदेबल वाला पाउडर डाल उसको, आप एक दो दिन वॉच मत पहन, रहने दे इधर ठीक हो जाएगा। तो हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ऑमलेट लिया, योगर्ट लिया, मेरा ब्रेड वहाँ पर टोस्ट हो रहा है, और इस मैडम को लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ है, बट ये बस एक कलर के लिए खेल रही है, इसने एक दो खाया बट उसको पसंद नहीं आया, तो हम उसको देख रहे क्या दे। तो हो गया, अभी हम लोग थोड़ी देर में रेडियो के निकल जाएंगे, कितना टाइम, 15 मिनट से आता है, इट वॉज वेरी लास्ट मिनट डिसीजन टू फ्लाई टू यूएस, इसीलिए हमने किसी को भी नहीं बताया, मतलब वीडियो में तो नहीं बोलता हूँ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हमने पर्सनली अपने फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं बताया, सबको जब मैं प्लेन में बैठ गया तब बताया, और यहाँ के लोगों को जब मैं यूएस में बाहर आ गया तभी बताया, डिसीजन लास्ट मोमेंट था, लेकिन वी वर प्रिपेयर्ड सिंस स्काई वॉज बॉर्न, हम लोग हमेशा से प्रिपेयर्ड थे कि कभी कुछ होगा ऐसा, हमको पता है एग्जैक्टली करना क्या है। और गाड़ी लेने का डिसीजन तो आई वॉज लाइक, मुझे 2021 में ले लेना चाहिए था, मतलब मैंने इतना पैसा फूका ना रेंट में, और कितनी बार ऐसा मन करता था कि गाड़ी होती तो मैं बाइक इधर उधर कर पाता, वो नहीं कर पाया, इसलिए आई वाज लाइक अभी इस बार डरूंगा नहीं, सबसे पहली चीज जो मैं लूंगा वो है गाड़ी, और सबसे बड़ा हाथ इसमें शोभित का, बिकॉज जब शोभित ने बाइक ली ना, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर वो बाइक ले सकता है तो मैं गाड़ी क्यों नहीं ले सकता, तो मैंने गाड़ी भी ले ली। और अभी एंड बिकॉज मैंने किसी को बताया नहीं था, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर गाइस कमेंट्स, एंड आप लोगों के कमेंट्स ने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया है, कमेंट्स लिटरली सरप्राइज है, मतलब मुझे लगा था कि लास्ट व्लॉग जब रिलीज हुआ, जब सब लोग गाड़ियाँ बैठे, फैमिली मेम्बर्स आए, मतलब अब तो शायद लोग गेस कर देंगे, बट थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया जब मैंने कमेंट्स खोला तो किसी ने भी कमेंट नहीं किया था यार कि आप लोग इंटरनेशनल जा रहे हो, मतलब अरे यार इतने सारे सूटकेसेस हैं, जब भी मैं ट्रिम करता हूँ या मेरे पेरेंट्स भी, मतलब मेरी मॉम और इसके मॉम डैड आते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ हम लोग दूर जाने वाले रहते हैं यार, हम लोग शादी के लिए गोवा गए थे, वो लेवल की प्लानिंग थी कि मतलब उस टाइम लोगों ने कैसे किया था शादी के लिए जा रहे, सबको लगा कि एंगेजमेंट हो रही है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन शादी हो गई थी, और वैसे झटका हमने इस बार दिया।
दो तीन लोगों का मैंने कमेंट देखा दैट निखिल यू नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, यू नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट विद द ऑडियंस. मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी चीज जो डेली व्लॉग बनाता है वो ट्रांसपेरेंट तो रहता है, सब तो दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है आपको. नहीं, मुझसे नहीं बोलते तो क्या हुआ. जो सबसे प्रेशियस चीजें होती है, जैसे शादी के टाइम में हमने शादी की फिर बताया, और उसी तरीके से जो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन हमारी लाइफ का भी बोला, हम पहले करते हैं फिर बताते हैं, बिकॉज समटाइम्स पीपल कैन जिंक्स इट. बोल दिया, नहीं हुआ, हमारा मन बदल गया कुछ भी होता है. गाड़ी लेना, घर लेना, ऐसे डिफरेंट स्टोरी, बट ये सब बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन होती है ना, ये अलग होता है. लेकिन अब भी सरप्राइज आने वाला है, सरप्राइज नंबर टू आने वाला है. उसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप भी जो इतना सक्सेसफुल है, बिकॉज हमने इतने सीक्रेट रखा था. शायन ने जब हमने कभी बताया नहीं था कि वी वर डेटिंग, तब किसी ने बोला नहीं यू शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट. अरे भाई देखो भाई, मैं वैसा ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं बहुत केयर करता हूँ कि मेरे आजू बाजू लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, तो कुछ चीज़ें नहीं बताने वाली होती है. आपको क्या पता मैंने क्या क्या चीज़ और इंडिया में ले ली हो, आपको क्या पता मेरे पास यहाँ पर क्या स्टेटस है, क्या है, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता. थोड़ी चीज़ कैमरे के पीछे रखना चाहिए, इसलिए मैं इतना बिजी हो गया. बोलता ना, वो दिख रहा है डाउनफॉल, लेकिन वो उल्टा डाउनफॉल है. निखिल नहीं बताता है, पागल है. पर थिंग इज, निखिल तो कितने व्यूज कमा सकता है, कंट्रोवर्सी कर सकता है, बता दे सब कुछ, बट नहीं बताता. अगर व्यूज ही चाहिए होते गाइस, तो आपको पता है ये सब जो तामझाम मैं कर रहा हूँ इसमें मैं कितने व्यूज छाप सकता हूँ. लेकिन मुझे बहुत शांति से जीना है. मैं एक चीज़ लाइफ में समझ गया, मैं शानिस को भी बोलता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा सक्सेस पता है क्या है, कि इंसान थोड़ा बहुत पैसा कमाए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कमाए तो अच्छी बात है, पर थोड़ा बहुत लिवेबल पैसा कमाए और वो शांति से जिए. कभी कभी मन के अंदर ना शांति होती नहीं है, बिस्तर में सोने जाओ ना आपके दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें आती है. वो क्या मतलब करोड़ों रुपये कमाओ लेकिन वो आवाज़ ही नहीं जाती है. वो शांति की बहुत ज़रूरत है. एंड इस बार मैं डरूंगा नहीं, इस बार जो है मैं आपको जैसे जैसा मेरा कंफर्म होगा वैसे वैसा मैं कैमरे में बताऊंगा, राइट? हाँ. बिंदास बताऊंगा मैं. तो अभी फिलहाल हो जाने दो सबको. कैच कैच. अरे अरे, अच्छा बड़ी बोतल है ना, इसके लिए फेंकनी पड़े. कैच स्काई स्काई कैच. कसम से लोग इतना जज करते हैं आजकल, तो मैंने इतना सा भी एक चीज़ एक्सपेक्ट की नहीं थी कि लोग मेरे बारे में अच्छा भी बोलेंगे और सपोर्ट भी करेंगे. शानिस ने मुझे अभी कमेंट्स बताया, वेर पीपल आर एक्चुअली सपोर्टिंग मी, एंड आई मोर पीपल. ऐसा नहीं कि 10-15 लोग हैं, सो मेनी पीपल. सो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच. कुछ लोग हैं जो शायद मेरी मेंटालिटी समझते हैं. सी, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई एम अ गुड गाय, ओके, एंड आई वांट टू बी हैप्पी. अगर मैं बुरा इंसान होता ना गाइस, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था. होता है कभी पर्सनल डिसीजन लोगों को समझते नहीं है. I'm just a family guy. I love my family. I love everybody around and I think me. A man, and I love you guys also. That's why I don't take you for granted. Sometimes. Like a man, like a good man, a good husband, a good father will walk the tough path a million times if it means that wo uske family aur bachchon ki happiness guarantee karegi. तो बस इतना ही बोलना था गाइस. थैंक यू जिसने भी अच्छे से कमेंट किया, एंड बाकी सब चीज़ तो मैं आपको धीरे धीरे बोलता रहूँगा. सब एक ही वीडियो में नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे एज विल प्रोग्रेस, एज विल गो अराउंड. फिलहाल तो आज का प्लान क्या है वो तो आप अगले व्लॉग में देखना, बिकॉज व्लॉग लंबा हो गया. इस चीज़ को यहीं पर समाप्त कर दो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हेयर. अच्छा लगा लाइक का बटन दबाओ, नए हो सब्सक्राइब करो. विद ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. आई लव यू फ्रेंड्स, आडियो सब. व्हाट आर यू डूइंग? सब अगर टेक केयर. बाय. पानी पी रही है वो. वो ऐसा पानी हाथ में डाल दिए ऐसे पी रही, तो शायद लग रहा है क्या चाट रही है वो.